शिलान्यास किया है और भारी बारिश के बावजूद भी जिस प्रकार का स्वागत हमारे यहाँ के लोकल विधायक भवानी सिंह मठानी जी ने किया, मैं इसके लिए इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस आशा के साथ कि भवानी जी जो भी योजनाएं लेकर आए और हमारी सरकार में बहुत कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक हुई, उसमें पौंग डैम का जो एरिया है जिसको हमने पर्यटक की दृष्टि से बढ़ाना है, उस दृष्टिकोण से हमने उस एरिया को कुछ कम किया है और आने वाले समय में आप इस क्षेत्र में देखेंगे फतेहपुर क्षेत्र में। इसके लिए अभी मेरी जब इनसे बातचीत हुई तो हमने एक 70 करोड़ रुपये पर्यटन के क्षेत्र में खर्च करने के लिए यहाँ हमने स्वीकृत किए हैं, जिसमें यार्ड है, बोट बैलून है, इस तरह से लोगों को और युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इनसे मेरी विस्तृत चर्चा इस क्षेत्र के पर्यटन विकास के संदर्भ में हुई है और जल्दी ही आप आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ पर्यटन के रूप में नई उम्मीदें और नया उमंग के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा। सर, खनन माफिया और नशे को किस तरह से मुक्त जो है इस क्षेत्र से किया जाएगा, उसको लेकर नशे के खिलाफ तो हमारा अभियान सख्त चला हुआ है, हर जगह छापामारी हो रही है, हर जगह शराब पकड़ी जा रही है, नकली शराब को पकड़े पिछले दिनों ही 30,000 लीटर ऊना में पकड़ेगी, नूरपुर में पकड़ेगी, कुल्लू में एक बड़ा भारी 450 पेटी का डंप पकड़ा गया जो चिट्टा है, उसके खिलाफ भी हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। आपने देखा होगा कि हर जगह छापामारी हो रही है, किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, सभी राजनेता हमारे जो विधायक लोग हैं वो इस बात से चिंतित कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जो नशे के दलदल में जिस प्रकार से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उससे हमारी लड़ाई शुरू हुई है और इसका प्रत्यक्ष परिणाम है कि पिछले दिनों नूरपुर में भी एक शराब का बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया और आपने पिछले कल ही देखा होगा नूरपुर ऊना में तकरीबन 30,000 लीटर शराब का जखीरा पकड़ा गया, 450 पेटियाँ हमारी कुल्लू में पकड़ी गई। ये जो एक शराब माफिया और खनन माफिया जो भी कार्य कर रहा है उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है और खनन से जो हमारी चोरी हो रही है उसको रोकने की दृष्टिकोण भी हम जल्दी खनन की एक नीति लेकर आ रहे हैं ताकि आय के साधन भी बढ़े और किस प्रकार से इस चोरी को रोके, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में 5 लाख रोजगार देने की बात की गई थी, 7 महीने से अधिक समय हो चुका है, रोजगार को किस तरह से देखा जा रहा है युवाओं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने रोजगार देना शुरू कर दिया है। रोजगार का मतलब है रोजगार, और आपने अच्छा सवाल किया कि 5 साल में 5 लाख रुपए तो काफी लोगों को रोजगार मिल गया, 30,000 को तो हम सरकार में दे रहे हैं, तो आए दिन तो रोजगार है, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में आएगा रोजगार आएगा, चाहे और भी कई पॉलिसीज है उसमें अभी 5 में 7 नहीं हुए।